हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, न्यूज़ आप सभी ने देख ही ली होगी। अभी जो है वॉर चल रहा है हमास और इसराइल के बीच में, बहुत ही तनातनी चल रही है। ये वार दोस्तों बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी है और 400 बंदे हमास के मारे जा चुके हैं और 350 इसराइल के भी मारे जा चुके हैं। तो बहुत ही मतलब तबाही मच चुकी है यहाँ पे, बमबारी हो रही है और रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ खोल के अपनी, वैसे भी आपको सब चीज़ें पता चल गई होगी। तो इस पे इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखो, इसराइल के साथ हमारे जो संबंध हैं, बिजनेस संबंध, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ हमारी बहुत सारी कंपनियां टाइप में हैं, जैसे कि हमारी आईटी कंपनीज होगी, वो सभी इसराइल में जो है अपना बिजनेस चलाती हैं। तो उनमें जो प्रेशर देखने को मिल सकता है, लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस एंड ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, उसमें भी पैनिक सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई इसमें जो है पैनिक में आ जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा रूप ले ले ये वॉर, और उसके बाद जो है आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब हम लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या लेवल तक हमें जो गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसने 20 EMA के सपोर्ट से ही जो बाउंस बैक लिया था, अगर दोबारा से इन्हें गिरना स्टार्ट कर दिया और ये वाली लेवल अगर इसने ब्रेक कर दी, जो कि आपकी 19,000 की है, ये वाला अगर सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, अगर ये वाला लेवल इसने तोड़ दिया तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि हमें लेके जा सकती है नेक्स्ट लेवल। ये वाला सपोर्ट तक आपको लेके जा सकती है, 18,500 तक हमें जो है इसका जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इजीली। आपने जो है कोशिश होके ही ट्रेड करना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको डिस्कस किया था दोस्तों कि एक एम पैटर्न बन रहा है, वो एक्टिव तब होगा तब यहाँ से नीचे जो है सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपने देख ही लिया न्यूज़ बहुत ही नेगेटिव है, सीधा गैप डाउन खुलेगा मुझे लग रहा है, और उसके बाद ये ब्रेक करने के बाद इसमें बहुत तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगर ये एम पैटर्न एक्टिव हो जाता है तो इसका जो टारगेट होगा दोस्तों, वो ये वाला रह सकता है। यहाँ से यहाँ तक का जो भी टारगेट आप देख सकते हैं, ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 41,000 के आसपास का। अगर ये वार वाली सिचुएशन हैंडल हो जाती है और इसमें जो है रोक लग जाती है, तो फिर से जो है मार्केट को पॉजिटिविटी मिल सकती है, अदरवाइज दोस्तों इसमें पैनिक सेलिंग बनी रहेगी ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने कौन कौन से स्टॉक्स दिए थे और उनमें क्या कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिली है। सबसे पहला स्टॉक था हमारा माइंडटेक, इस जगह के आसपास मैंने दिया था कि अगर ये वाली लेवल ब्रेक करती है दोस्तों, एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं एक ही वीक में इसने करीब 35% का रिटर्न बना के दिया है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आप सीख रहे हैं जरूर हैं। मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से आप देखते हो रेगुलरली, आप इसको वीडियो को लाइक करके जाते हो, मुझे उससे फील होता है कि हाँ, आप लोग बिल्कुल इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के जो स्टॉक्स आप फाइंड आउट करना कैसे पहचानोगे, कब सीखोगे, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ आज, कि आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, वो इस वीडियो में एंड पे बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पे एंड तक। फ्रेंड्स, सेकंड स्टॉक मैंने दिया था गोदरेज इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों आपको 1 मंथ पहले, इस जगह के आसपास मैंने दिया था। इसने एक अच्छा मूवमेंट बनाया। मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो ये वाला दिया था दोस्तों, जो कि इसका 20% के आसपास का था। मैंने यही बोला था कि 20% के जो है टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और कल के दिन जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, तो प्राइस इस जगह पे चल रहा था 615 के आसपास, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था कि ये जो है अपने जो 20% के जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट करने जा रहा है। और उसके बाद देखो दोस्तों, एक ही दिन में, उसी दिन, सेम डे, इसने जो है अपर सर्किट लगा दिया, ठीक है। 20% का अपर सर्किट लगा दिया इसने एक ही दिन में, और इसने ओवरऑल जो टोटल रिटर्न बना के दिया है वो 36% का रिटर्न बना के दिया है। अभी ये जो स्टॉक है कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो वार वाली सिचुएशन आई है दोस्तों, इसमें फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ये प्राइस फिर से हमें यहीं पे नज़र आ सकता है। अगर आपने ले रखा है तो टाइमली प्रॉफिट बुक कर जरूर करें। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों मैंने दिया था आपको फिलाटेक्स इंडिया। ये वाला स्टॉक मैंने दिया था आपको 1 वीक पहले। इसमें जो 10% का रिटर्न ऑलरेडी बना चुका है ये, और अभी थोड़ा नीचे आके सस्टेन कर रहे हैं, तो अभी इसमें कोई नई फ्रेश पोजीशन आपने बनानी नहीं है। किसी भी स्टॉक्स में कोई पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो आप थोड़ा सा कोशिश होके ही ट्रेड करना। हाँ, इस सिचुएशन में दोस्तों एक काम हो सकता है, जैसे मान के चलो आपने कोई भी स्टॉक्स है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसके शेयर्स बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे जा रखे हैं,
और वो हमें सस्ते रेट पे मिलते हैं, तो हम वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। मतलब हम स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। ट्रेडिंग में क्या होगा कि और वो लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि जब पैनिक सेलिंग होगी तो उसका ये नहीं पता होगा कि वो कितना और गिरने वाला है, राइट। तो अगर आपने कुछ करना भी है तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकते हैं जो आपको कम प्राइस में मिले कल के दिन या आने वाले 1 वीक में। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों मैंने दिया था आपको गुड लक इंडिया। ये वाला स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों आपको, ये दिए हुए होंगे 1.5 मंथ के आसपास हो चुका है, ठीक है। अब इसने क्या करा दोस्तों, 5.11 के आसपास मैंने आपको दिया था और ये अभी आप देख पा रहे हैं 3.78 के आसपास जा चुका है। 47% का रिटर्न आपको बना के दे चुका है 1.5 मंथ में। तो ऐसा क्या मैंने इसमें देखा कि इसमें एक इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है दोस्तों, और चीज़ों को समझना भी होता है, एब्जॉर्व करना होता है। वो चीज़ें सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आपको सीखनी है तो आप लास्ट में एक मैं आपको कमिटमेंट देने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। ये वाला जो स्टॉक है मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को दिया था इस जगह के आसपास, इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ये मैंने 1860 रुपये के आसपास दिया था और अभी जो इसका प्राइस है 2147 पे तो क्लोज हुआ है, बट ये गया था 2180 के आसपास तक गया था। मतलब बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न बनाया है और अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा, बट इस वॉर की सिचुएशन की वजह से इसमें जो है फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 19% का रिटर्न बना के दिया है इसने मात्र 2 से 3 दिन में। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों मैंने आपको दिया था एंजल वन। एंजल वन में आप देख सकते हैं 12% का रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको 12% का रिटर्न इसने दिया है एंड अब ये जो है कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद थी। हो सकता है इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर आपने इसमें पोजिशन बनाई हुई है तो टाइमली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको एक स्टॉक दिया था सैटिन क्रेडिट। इस वाली लेवल के आसपास दिया था दोस्तों, इसने बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दिया है। 36% का रिटर्न आपको बना के दिया है काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म में। करीब 1.5 से 2 महीने में इसने 36% का रिटर्न बना दिया है। आई होप आपने इसका गेन फुली एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिस पे आपने नज़र रखनी है, ट्राइजन टेक्नोलॉजीज। इस पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये वाली ट्रेंड लाइन, मैंने काफ़ी दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये वाली ट्रेंड लाइन पे आपने ध्यान देना है। अगर इसमें इंस्टीट्यूशन एक्टिव हैं तो इस प्राइस को ऊपर लेके इसको जाना ज़रूरी है, अदरवाइज पैनिक सेलिंग आएगी तो दोस्तों ये वाला अपना एसएल रहना है। उसके बाद जो इसमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर से निकलता है तो फिर हमें जो है 30% के रिटर्न इजीली हमें देख के जा सकता है, तो आप इस पे जो है नज़र बनाए रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों पीसीबीएल, ये स्टॉक मैंने दिया था आपको करीब आपको मैंने इस वाले लेवल के आसपास दिया था, तब ये जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था बट उसने किया नहीं, और फिर से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ पे जैसे क्रॉस किया इसने तो एक अच्छा मूवमेंट हमें बना के दिया है और ये एक अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है दोस्तों। तो अगर किसी ने भी आप लोगों ने इस पे पोजीशन बनाई हुई है तो आप टाइमली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी इसने जो है 12% का रिटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो देखते हैं मंडे को क्या सिचुएशन होती है, उसके बाद ही इसमें जो है एक्शन लिया जाएगा ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं वो सीक्रेट, वो पॉइंट्स जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला था कि कैसे आप जो है लर्निंग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि देखो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ अपना कोर्स, ठीक है। कोर्स लॉन्च के लिए मैंने आपको बोला हुआ था कि दिवाली तक मैं जो है इसको कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे आप लोगों से एक राय चाहिए और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको चाहिए क्या। बाय द वे देखो दो ऑप्शन हैं हमारे कोर्स के, ठीक है। नंबर एक ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है, 1 सेकेंड मैं इसको ना एक बार, तो दोस्तों हमारे पास कोर्स के जो है दो ऑप्शन हैं, उनमें से कौन सा हमें हमारे लिए ठीक रहेगा वो आपने कमेंट्स करना है। तो सबसे जो नंबर वन है वो रहेगा कि मैं आपके लिए जो है वीडियो रिकॉर्डेड करूं, ठीक है, बना के और उनको मैं आपको जो है शेयर करूं ताकि आप उन वीडियोस को देखें और उन पर स्टडी करें। नंबर वन ऑप्शन तो ये है, ठीक है। एंड दोस्तों नंबर टू ऑप्शन है कि मैं शाम को लाइव आके जूम पे या गूगल मीट पे आके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, मतलब आपको स्टडी कराऊं, चार्ट दिखाऊं, जो भी आपकी क्वेरीज है आपको वन बाय वन उनकी क्वेरीज भी सोल्व करूं। एक नंबर टू ऑप्शन वो रहेगा, ठीक है। आप जो है जूम ऐप के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो पाओगे और आप इजीली क्लास ले पाओगे। जो वीडियोस फॉर्म में सारी चीज़ें होंगी वही मैं जूम पे भी आपको लाइव आके समझाऊंगा, सारी चीज़ सिखाऊंगा
और वन बाय वन आपकी क्वेरी भी सॉल्व करूँगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो मुझे समझाने में भी मज़ा आएगा, कि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो फॉर्म में क्या होगा दोस्तों, वीडियो फॉर्म मैंने बनाने के बाद आप लोगों ने कंप्लीट देखी नहीं देखी, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, आई डोंट नो, बट इस पे जो है आप लोगों की सारी सपोर्ट रहेगी। आपको ये भी पता रहेगा कि क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और आपको कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ऑप्शन वन सेलेक्ट करना है या ऑप्शन टू सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो जल्दी हो जाएगी, और वीडियो की जो है देर में होगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में और अपलोड करने में और वेबसाइट पे डालने में मतलब मेरे को टाइम लग जाएगा। इसकी जो लॉन्चिंग होगी वो आप मान के चल सकते हैं जनवरी स्टार्टिंग, मतलब नए साल में ही मैं जो है इसकी स्टार्टिंग कर पाऊँगा 2024 में। इतना टाइम तो मुझे लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो कोर्स है उसमें टाइम तो लगेगा दोस्तों। और नंबर टू की अगर मैं बात करूं, अगर आपको जल्दी है और आप मेरे से लाइव सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है आप सीख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जो है लाइव आके सारी चीज़ें मैं जो बताता रहूँगा आप उस पर ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे क्यों है ये, मतलब समझ गए आप, जैसे एक टीचर पढ़ाता है सेम ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा आपको, सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो अगर आप इस दो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, और अगर वन को करते हैं तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। हालांकि मेरा टाइम इसमें ज़्यादा स्पेंड होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो है ओवरऑल वन टाइम स्पेंड करने वाला हूँ टाइम को, उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें मुझे जो है टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे इस कोर्स को लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उनके लिए मैं जो है अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके बाद जो है आपको आगे की गाइडलाइन बता दी जाएंगी। आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँगा या हमारी टीम बात करेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।